हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यूज करने वाले हैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस का। अक्सर सभी के घरों में कार्डबोर्ड बॉक्सेस रखे हुए होते हैं और समझ नहीं आता कि उनका हम क्या करें, कैसे उन्हें यूज करें। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिन्हें आप भी घर पर इजीली और बहुत कम बजट में बना के तैयार कर सकते हैं, यानी कि जीरो बजट में ही। तो चाहे आपकी जैसे कपड़ों की जो अलमिरा होती है उसमें आप इन्हें रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी अलमिरा को, या फिर आपकी बुक्स वगैरह हों, और या फिर आपकी जैसे बैंगल्स वगैरह होती हैं उन्हें आप एक ही जगह पर बॉक्स में रख सकते हैं, और या फिर आपका जैसे जो मेकअप का सामान होता है उसके लिए भी आप इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं जिसमें आपका सभी सामान एक ही जगह पर आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ये बॉक्स, और ये जियो का जिसमें डिवाइस आता है जियो का ये बॉक्स है, और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये स्क्वायर शेप में है, काफ़ी सॉलिड होता है ये। तो सबसे पहले मैं इसका जो ये वाले हिस्सा है ना, इसको मैं निकाल दूंगी कट करके। तो ब्लेड की हेल्प से मैं इसे कट कर रही हूँ। तो हमने इसे निकाल दिया है, और अब मैं मास्किंग टेप से इसके जो जॉइंट्स हैं ना उन पर एक बार मास्किंग टेप लगा रही हूँ जिससे कि वो खुले नहीं, और ये जो एजेस हैं इसके जहाँ से हमने कट किया है वहाँ पर भी मैं मास्किंग टेप लगा रही हूँ। तो हमने इसके एजेस पर ये मास्किंग टेप लगा दिया है, और अब अंदर की साइड हमने लिया है एक अंदर साइड लगाने के लिए, ये मैंने ग्रॉसरी बैग लिया है जो क्लॉथ बैग होते हैं ना वो, और इसको हम यूज करेंगे अंदर इसे कवर करने के लिए। तो उससे पहले मैंने देखी, मैंने पट्टियाँ इसकी कट करके रख ली हैं इसके साइज़ की, और फिर हमने लिया है ये फेविकॉल, और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसे थोड़ा सा पतला किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कार्डबोर्ड लगा रही हूँ, दो साइड तो इसमें लगे हुए हैं और ये दो साइड पर ये नहीं है, तो डबल डबल इसमें चारों साइड से ये डबल कार्डबोर्ड लग गया है जिससे कि और भी ज़्यादा हैवी हो गया है ये। अब जो हमने स्ट्रिप्स काट कर रखी हुई थी वो मैंने इसमें अंदर की साइड लगा दी हैं, और इसके बाद इसका जो बेस हमने बना के तैयार किया हुआ है वो भी लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है पेपर बाहर साइड लगाने के लिए, तो ये इस तरीके का पेपर या फिर आप कपड़े का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई अच्छा सा कपड़ा है। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा कवर कर दिया है बाहर से, और अब ये देखिए पूरा अच्छे से बॉक्स बन के तैयार है। अब अंदर की साइड इसमें जो बेस है ना इसका, वहाँ भी मैंने इस कार्डबोर्ड को कवर करके और इसमें फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर हम एक लूप लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पर एक पतली वाली इलास्टिक ली है और एक लिया है बटन, तो बटन हम यहाँ पर लगाएंगे और इलास्टिक ऊपर के साइड लूप बना दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, अब इसे आप मतलब ओपन कर सकते हैं और क्लोज़ कर सकते हैं, और फिर मैंने लिया है जो शादी के कार्ड होते हैं उनसे एक बटरफ्लाई बना के तैयार की है, और इसको मैं यहाँ कॉर्नर पे स्टिक कर दिया है। तो ये देखिए ये सुंदर सा हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है, और अगर आप चाहे तो इसमें डिवाइडर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने ये कार्डबोर्ड को कवर कर लिया है पेपर से और बीच में इसे लगा दिया, अगर आप चाहे तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, बट मैंने इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, और अब इसमें आप जो चाहे अपने मनपसंद चीज़ें रख सकते हैं बॉक्स के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेसियस है, देख सकते हैं आप। तो इसमें आप अपनी चूड़ियाँ रख सकते हैं, मैं आपको रख कर दिखा रही हूँ, या फिर आप अपनी ज्वेलरी या जो भी अपना छोटा मोटा कुछ भी सामान इसमें रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो ये हमारा एक प्यारा सा छोटा सा बॉक्स बन के तैयार हो गया है, वो भी वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्सेस से ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो आप भी इसी तरीके से काफ़ी ऑर्गेनाइज़र बना के अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए एक और, ये दो बॉक्स थे तो एक और मैंने बना के तैयार किया है ये, और इसमें मैं लगाने वाली हूँ ये मेरे पास रखी हुई है ये मोटी वाली जो डोरी होती है ना
वो रखी हुई है, तो मैं इसे ग्लू गन की हेल्प से इस तरीके से स्टिक कर दूंगी। और ये हमारी एक बास्केट बनके तैयार हो गई है, जिसमें कि आप कोई भी सामान रख सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको रख कर दिखा रही हूँ कि इस तरीके से ये कुछ लग रही है बास्केट, और बहुत सुंदर लग रही है ये। तो इस तरीके की बास्केट या फिर बॉक्स जो भी आप चाहे बना सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है ये शूज़ का बॉक्स है, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले इसे बनाने के लिए, मतलब अंदर के लिए, मैंने इसमें जो कैरी बैग होते हैं वही यूज़ किए हैं। और सबसे पहले इसको हम अंदर से कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे पहले थोड़ा सा ये कार्डबोर्ड के टुकड़े लगा के बराबर कर लेती हूँ। और अब इसके बाद अब हम इसमें फेविकॉल लगाएंगे पूरा अंदर के साइड, और जो हमने स्ट्रिप्स काट के रखी है ना ग्रोसरी बैग से, वो हम इसमें पूरा फिक्स कर देंगे। आप ग्रोसरी बैग की जगह आप कपड़ों का भी यूज कर सकते हैं, जो पुराने कपड़े होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो ये बैग भी काफ़ी सारे रखे हुए होते हैं, तो मैं इन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। और ये काफ़ी थिक होते हैं, फैब्रिक जो है इनका काफ़ी अच्छा होता है। तो ये देखिए, बास्केट हमारी अंदर से कवर हो गई है। और अब बाहर के साइड में इसमें ये पेपर लगा रही हूँ, तो इस पेपर को इस तरीके से हम बाहर के साइड से लगा देंगे। तो ये हमारा पूरा कवर हो गया है, और अब नीचे की साइड से भी इसे पूरा, ये देखिए, हम कवर कर देते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट बनके तैयार है। बट अभी जो मैंने इस शू बॉक्स का जो ढक्कन था ना, उसके जो किनारे होते हैं वो ये वो वाला हिस्सा है, और इसको हम थोड़ा सा बराबर दूरी पर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से दोनों साइड से 1-1 इंच पर। और इससे हम बनाएंगे इसका हैंडल, जो हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया ना, इसका हैंडल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्लेड की हेल्प से मतलब इसे थोड़ा सा कट करना है। पहले निशान लगा लेते हैं इसे रखकर, और उसके बाद मैं ये ब्लेड की हेल्प से इसे कट कर लूँगी। यहाँ से जो हमने हैंडल बनाया है वो इसमें हम फिक्स कर देंगे फेवी बॉन्ड की हेल्प से, या ग्लू जो भी आपके पास हो। तो मैं यहाँ पे फेवी बॉन्ड से इसको इस तरीके से लगा के अंदर इसे इंसर्ट करूँगी, और ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है, और विद हैंडल। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत प्यारा लग रहा है। और अब इसमें आप कोई भी सामान रख सकते हैं, कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके के मैंने दो ऑर्गेनाइज़र बनाए थे शू बॉक्स से। तो ये देखिए, ये सेकंड वाला है, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये प्लास्टिक का है। ये जो कोन होती है ना मेहंदी की, उसके बॉक्स में आया हुआ था ये, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसमें ये फिक्स कर दिया है, पेस्ट पड़ा हुआ था, और इसको मैं फेवी क्विक की हेल्प से इसे फिक्स कर देती हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो ये देखिए, ये फिक्स हो गया है बिल्कुल। और इस तरीके से हमने शू बॉक्स से दो ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार किए हैं, जो कि जिसमें आप कोई भी अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने कुछ स्टॉल्स वगैरह इसमें रखे हुए हैं, और इस तरीके से काफ़ी बड़ा है। छोटे छोटे जो भी सामान आप रखना चाहें, इस तरीके के काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। और सेकंड वाला मैंने अपनी जो शू रैक होती है ना, उसमें कुछ सामान हमारा, जैसे ब्रशेस वगैरह या पॉलिश की डिब्बी वगैरह जो रखी हुई होती है ना, वो ऐसे कॉर्नर में पड़ी हुई होती हैं, तो उन्हें भी ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने जो बॉक्स से ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है ना, उसमें ही हम ये सारी चीज़ें रख देंगे अपनी ज़रूरत की। और फिर आप इसे अपनी अलमरा में अच्छे से रख सकते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ की, तो आप इजीली इस
ऑर्गेनाइजर को इस बास्केट को निकाल के यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी भी लग रही है और ऑर्गेनाइज लग रही है आपकी जो रैक है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर बनाकर अपने सामान को, अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है ये एक बॉक्स है कुछ इस तरीके का। अब इसको भी हम इस तरीके से, मतलब जो तिरछी लाइन होती है ना, डायगनल जो लाइन होती है, उस तरीके से इसको कट करेंगे बॉक्स को। और ये बराबर दो हिस्सों में हमें मतलब दो हिस्सों में हमें मिलेगा ये, इस तरीके से कट कट जाएगा। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। उसके बाद ये जो ओपन वाला हिस्सा है ना, इसमें हम मास्किंग टेप लगा रहे हैं और ये जो इसके किनारे हैं इन पे भी, सभी पे हम मास्किंग टेप लगा देंगे। उसके बाद मैंने ये पेपर लिया है, इसको मैंने पूरा अच्छे से कवर कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम ये दो मैंने कार्डबोर्ड के ये कट करके रखी हुई हैं, इसको लगा देते हैं। और उसके बाद ये खाली मेरी जो थिनर होता है ना, उसकी डिब्बी है ये खाली बॉक्स, तो उसको भी हम पेपर से कवर करके और इसमें साइड में फिक्स कर देते हैं। तो फेविकॉल लगाकर मैं इसे साइड में स्टिक कर दूंगी। तो अब आप जान ही गए होंगे कि मैंने ये क्या बनाया है। तो सबसे पहले इसमें हम अपनी बुक्स रखते हैं, जो भी आपकी डेली रीडिंग वाली बुक्स हैं या जो भी आप यूज करते हैं। और यहाँ पे पेन रखे हैं, ये छोटी सी डायरी है। तो इस तरीके से हमने एक मतलब बुक्स के लिए ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार किया है। और इसमें बहुत अच्छे से बुक्स, ये देख सकते हैं आप, रखी हुई हैं। तो आप भी ऐसे बना के अपनी अलमरा में रख सकते हैं, अपनी टेबल पर कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। इससे आपकी सभी बुक्स ऑर्गेनाइज रहेंगी। नेक्स्ट मैंने सेकंड वाला जो बनाया है वो भी मैंने एक पेपर से कवर किया है और इसमें ये मैंने पार्टीशन लगाए हैं। तो ये देखिए मैंने ये इस तरीके से तीन डिवाइडर इसमें इस तरीके से ग्लू फेवी बॉन्ड की हेल्प से लगा दिए हैं। और ये मैंने मेकअप का जो सामान होता है ना, उसके लिए बना के तैयार किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं छोटी बड़ी सभी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं। और ये बहुत ही सुंदर सी हमारी एक मेकअप ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। तो देखा ना आपने कि वेस्ट जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं ना, उनसे हम कितनी सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।